टेंस, आज हम आपको टेंस को भरना बताएंगे। तो इस वीडियो में टेंस को कैसे भरते हैं, ये कभी भी किसी भी वीडियो में बताया नहीं जाता है। टेंस बता देते हैं लेकिन भरना कैसे होता है ये नहीं सिखाते हैं, इसलिए मैं आज आपको भरना ही सिखाऊंगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, द लास्ट ट्रेन खालिस्तान लीव एट मिडनाइट। अंतिम रेलगाड़ी जो है वो मध्य रात्रि को, अब आगे यहाँ खालिस्तान है, आपको समझना है इसमें कि अंतिम रेलगाड़ी मध्य रात्रि को, ये का मतलब हर रोज प्रत्येक रात्रि को होता है, अंतिम रेलगाड़ी प्रत्येक मध्य रात्रि को रवाना होती है, प्रस्थान करती है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, लीव्स कर देंगे, LEAVE, लीव का मतलब है प्रस्थान करना, निकलना। तो यहाँ क्या होगा, लीव्स। तो अंत में क्या है, ई है, तो आपको केवल एस जोड़ना है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रेलगाड़ी जो है एकवचन में सिंगुलर है, इसलिए आप ही सी इट के अंतर्गत, आप इसको ही सी नहीं है, ये इट है, इट मान के चलो। तो इट मानोगे तो ये क्या है, आपके इट के साथ में लगने वाली जो सिंगुलर इट खुद ही भी जो है प्रोनाउन है, वो सिंगुलर क्रिया को ही लेता है हमेशा, तो आपको सिंगुलर क्रिया बनानी है, लीव का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। तो अंत में केवल आपको एस जोड़ना पड़ा है इसमें। देखिए दूसरा सेंटेंस, द अर्थ खालिस्तान मू, ब्रैकेट में मू लिखा है, उसके बाद में राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो क्या होता है, घूमती है, चलती है, ठीक है जी। तो आप इस मू है, तो ये अर्थ क्या है, ये भी इट है, तो आप क्या करेंगे, ये मू है, तो ये केवल आप इसको एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मूज हो जाएगा। तो मूज का मतलब है चक्कर लगाती है, घूमती है, ठीक है। तीसरा देखिए, आई कम फ्रॉम गुवाहाटी, मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मैं गुवाहाटी से आता हूँ। तो फिर दूसरा इसका जो भाग्य, दूसरा जो वाक्य है वो देखिए, वेयर खालिस्तान यू खालिस्तान कम फ्रॉम, ऐसा लिखा है, तो कहाँ तुम आते हो से, अर्थात तुम कहाँ से आते हो, या तुम कहाँ के रहने वाले हो, मैं तो गुवाहाटी का रहने वाला हूँ लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये इसमें पूछा गया है। तो वेयर के साथ में, अब ये क्या है, प्लुरल प्रोनाउन है, आप क्या साइकिल डालोगे इसमें, डू लगाओगे, वेयर डू यू, वेयर डू यू, आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, आप कम का कम ही कर दो, क्योंकि यू बहुवचन है, तो आप प्लुरल प्रोनाउन लगाओगे। तो पहले वाले उत्तर में तो आपको डू करना है, पहले वाले खालिस्तान में, जैसे कि हमने डू कर रखा है, तो ये डू कर दिया, तो डू आप आंसर में डू लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगा करके, फिर दूसरा उत्तर जो है आपका कम का कम ही आ जाएगा, क्योंकि ये प्लुरल है, इसलिए आपको कम का कम ही लिखना है, ये लिख दिया यहाँ जी, कम, ये हो गया। देखिए अब फोर्थ में देखिए, वी खालिस्तान नॉट वर्क ऑन संडेज, यानी संडे नहीं है, संडेज है, ये बहुवचन में प्लुरल में है, तो यानी प्रत्येक रविवार को, इसको आपको समझना है, ऑन संडेज का मतलब होता है एवरी संडे, ठीक है जी। तो एवरी संडे समझना है, तो समझने के लिए यही है, तो प्रत्येक रविवार को, ऑन का मतलब है को, प्रत्येक रविवार को हम काम नहीं करते हैं, प्रत्येक रविवार को, क्योंकि रविवार को एक छुट्टी का दिन होता है, उस दिन हम लोग काम नहीं करते हैं, तो इसको नेगेटिव भरना है, नॉट वर्क है, तो नॉट वर्क का सीधे तो नॉट आता नहीं है, नॉट हमेशा साइक्रिया के बाद लगना है, तो इसको करेंगे, वी बहुवचन में है, प्लुरल प्रोनाउन है, आप यहाँ क्या करोगे, डू वी डू, अब क्या करोगे, नॉट लगाइएगा, वी डू नॉट वर्क का वर्क हो जाएगा, ठीक है जी, ये नेगेटिव भरना हो गया। तो ये हमेशा कई बार क्या है, पॉजिटिव भरना होता है, कभी नेगेटिव भी भरना पड़ जाता है, जैसे ये कभी इंट्रोगेटिव भी भरना पड़ जाता है, तो हर प्रकार के वाक्य आपको आने चाहिए। ये मेरे जो टेंस, प्रत्येक टेंस को मैंने वीडियो में दे रखा है, इसी में आप चैनल में देख सकते हो। देखिए पांचवा वाक्य, जॉन जॉन खालिस्तान सेम रेदर टायरिंग टुडे, जॉन आज थका हुआ, बहुत थका हुआ, अब क्या है, बहुत थका हुआ लगता है, यानी प्रतीत होता है, सिम मीनिंग प्रतीत होना यानी लगना। तो आप क्या करोगे, जॉन क्या ही है, तो आप सिम्स कर दोगे इसका, क्या करोगे, सिम्स, SEAMS, इसमें केवल एस जोड़ने से आपको ये सिंगुलर वर्ब बन गया आपका, ठीक है जी। उसके बाद में छठा देखिए, हाउ ऑफन, ऑफन क्या है, इसमें पहचान है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ये एडवर्ब है, आपको एडवर्ब से इसकी पहचान करनी है, या साथ वाले वाक्य से आपको पहचान मिलती है, ठीक है, या फिर जो अंत में टाइम दिया जाता है उसके अनुसार पता चलता है। तो ये ऑफन जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन खालिस्तान, उसके बाद में यू खालिस्तान, गो खालिस्तान टू डेंटिस्ट, ठीक है, दंत चिकित्सक के पास में आप कितनी बार जाते हो, इसका मतलब ये होता है जी, ठीक है। अब यू बहुवचन में आप क्या लगाओगे, यहाँ पहले वाले खालिस्तान में आप क्या लगाओगे, डू, तो इसका हो जाएगा हाउ ऑफन डू यू, और दूसरे में गो का गो ही आ जाएगा जी, ठीक है, कॉमा लगाइएगा, पहले वाले उत्तर को अलग कर दीजिएगा, उसके बाद में लिखिएगा गो, ये हो गया आपका गो, ठीक है जी। तो गो टू डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक के पास में आप कितनी बार जाते हो, इसका मतलब ये हुआ, तो आपको ये प्रश्नवाचक भरना पड़ा है, इंट्रोगेटिव भरना पड़ा। देखिए अगला सातवां देखिए, आई रेयरली खालिस्तान, इसके बाद में ब्रैकेट में जो कैरी लिखा है, कैरी का मतलब है कोई भार वाली वस्तु को उठाकर ले जाना, ठीक है जी। एन अम्ब्रेला इन समर, मैं गर्मी के मौसम में अम्ब्रेला छाता लेकर, रेयरली का मतलब है मुश्किल से ही मैं गर्मी के मौसम में छाता लेकर चलता हूँ, ठीक है, ले जाता हूँ, यह मतलब है। तो
तो किसी भी भार वाली वस्तु को, अगर मान लीजिए आप किसी भार वाली वस्तु को उठाकर नहीं ले जाते हैं, चलाकर ले जाते हैं, तो टेक टू हो गया। और उसके बाद में अगर आप भार वाली वस्तु को छाता है तो इसमें वजन तो है, कितना भी हो चाहे वजन तो है इसमें, तो भार वाली वस्तु को जब आप उठाकर ले जाते हैं तो ये कैरी होता है। तो अब क्या है, ये आपका जो ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, तो वी का सिंगुलर क्या होता है, आई। लेकिन दोनों ही प्लुरल की तरह इनके साथ में व्यवहार किया जाता है, तो आपके क्या करोगे, कैरी का कैरी ही आ जाएगा। तो कैरी का कैरी ही आ जाएगा, ये कैरी का कैरी नोट कर दीजिएगा। आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला इन समर में, ग्रीष्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में छाता लेकर मुश्किल से ही चलता हूँ, यानी मुश्किल से ही छाता ले जाता हूँ, ये मतलब हुआ इसका। देखिए आठवां, ए म्यूजिशियन एक संगीतकार, खालिस्तान प्रैक्टाइज एवरीडे। अब एवरीडे क्या है, इसमें पहचान बताई गई है, यानी एवरीडे क्या है कि इंडेफिनेट बताता है, प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान होती है, ये एडवर्ब है, तो अंत में समय, ये समय दिया गया एडवर्ब, तो इससे पता चला है कि आपको ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भरना है। तो ये जो एडवर्ब है इनकी पहचान होती है, इसी के द्वारा आप टेंस को भर सकते हो। अगर ये एडवर्ब आपको याद नहीं होंगे तो आप भर नहीं पाओगे, या तो एडवर्ब इसकी पहचान होती है, या साथ में कोई वाक्य आता है उसकी पहचान बनती है, या फिर जो है इसके अंदर कोई वर्ड दिया जाता है, कोई ऐसा ही वर्ड जिससे हमें पता चल जाता है ये कि किस टेंस का होने वाला है वाक्य। तो देखिए, ए म्यूजिशियन प्रैक्टाइज एवरीडे, एक संगीतकार प्रतिदिन अभ्यास करता है। तो प्रैक्टाइज का मतलब अभ्यास करना, तो अभ्यास करता है ये होगा। तो ए म्यूजिशियन ये सी भी हो सकता है, तो ही भी हो सकता है, पर है दोनों ही सिंगुलर, तो यहाँ प्रैक्टाइज करोगे तो प्रैक्टाइजेज हो जाएगा, PRACTIES, प्रैक्टाइजेज, अभ्यास करता है या अभ्यास करती है, ये हुआ। तो देखिए नवा सेंटेंस, ही ऑलवेज, अब इसमें ऑलवेज दे दिया गया, ये प्रेजेंट डेफिनेट में आता है, बाकी किसी भी टेंस में ऑलवेज नहीं आएगा, ये प्रेजेंट डेफिनेट की ही पहचान होती है, ये समय बताता है कि ये काम कब कब होता है, यानी हमेशा होता है, ये नहीं, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ही ऑलवेज खालिस्तान वर्क एवरी नहीं वेरी हार्ड, तो वह हमेशा बहुत कठिन परिश्रम करता है, वर्क मीनिंग परिश्रम करना, तो आप ही सिंगुलर है, तो वर्क का क्या करोगे, वर्क जो है अपने आप में एक प्लुरल वर्ब है फिलहाल, तो ये वर्क, अब इसको, अब ये सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो वर्ब के साथ में आपको एस लगाना पड़ा यहाँ, तो एस लगते ही सिंगुलर बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो अंतिम सेंटेंस है आप देखिएगा, फैमिली प्लानिंग क्या मतलब हुआ, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन रियली वाकई, खालिस्तान मीन मतलब होता है, अभिप्राय होता है, आशय होता है, फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण, परिवार नियोजन का वास्तव में मतलब होता है परिवार कल्याण, ये इसका पूरा हिंदी बन जाता है। अब आपको क्या करना है मीन का, अब ये कार्यक्रम का नाम है फैमिली प्लानिंग, ये हुआ, ये अपना ये दोनों ही वर्ड जो है सब्जेक्ट है, ठीक है जी, तो ये दोनों ही ये सब्जेक्ट में है, रियली ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, मीन का क्या होगा, मीन्स हो जाएगा, ये कार्यक्रम का नाम है, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो MEANS, तो ये मीन्स हो गया, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। तो ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस भरने बताए हैं, कैसे भरे जाते हैं, अगले टेंस को हमें भरना आपको और बताऊंगा, तो उसमें आप बिल्कुल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।